देख लो जो टी-शर्ट पहना आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैमरे पे, तो पहनने का फ़ायदा क्या है काला टी शर्ट जिसमें चीटर ही नहीं आ रहा है? आ रहा है चीट टी शर्ट टीचर चीटर? जी जी अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं एडुकेशन सिस्टम पे हमारे बहुत ही फॉल्टी फ्रैक्चर्ड एडुकेशन सिस्टम के बारे में. सो इसको एक तरह से हम सब इससे अफेक्टेड हैं. जब हम स्टूडेंट्स रहे हैं, हमारे पेरेंट्स जब वो स्टूडेंट्स थे, अभी जब अगर हम जो भी फ्यूचर पेरेंट्स हैं, जैसे मैं भी अपने बच्चे के लिए एक तरह से फियर करता हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम कहीं इसका इसके मायने क्या हैं. इस पर रोट मार्किंग पहले तो बहुत एम्फेसिस दिया जाता है जिसका आगे जाके कोई रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल इस तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है. इसको इसके अलावा दूसरी चीज़ें खोखला कर रही हैं, जैसे बहुत सारे मिडिल मैन हैं, स्कैमस्टर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, जैसे एक राकेश का कैरेक्टर है जो एक बिजनेस हेड करता है, नेक्सस हेड करता है, जो कुछ पैसों के लिए अनडिज़र्विंग स्टूडेंट्स को मेरिट दिलाता है. तो फिल्म इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में है जिसको लेकर एक बहुत एक जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके रेवोल्यूशन लेके आना बहुत ज़रूरी है. ओके सर, इसी के साथ मैं राकेश के बारे में कुछ जानना चाहूँगा, किस तरीके का किरदार है, जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब तो और क्या है सर उसके लिए आपको रिटेलिंग करनी पड़ेगी? और राकेश झांसी का पला बड़ा है, वहाँ से कैरेक्टर की वहाँ से ओरिजिन्स थे. तो उसने दो बार मेडिकल कहीं फेल कर दिया था, सिंगर बनना चाहता था एक बार, फिर उसके बाद डॉक्टर भी बनना चाहता था, लेकिन कहीं वो नहीं बन पाया. सिस्टम के प्रति उसका एक तरह से एक जलन थी, एक गुस्सा था, और वो चाहता था कि वो सक्सेसफुल बने. तो उसने एक सिस्टम का एक हैक निकाला कि वो अनडिज़र्विंग स्टूडेंट्स को मेरिट दिला सकता है पैसों के लिए. वो हैक क्या है, उसका सिस्टम किस तरह ऑपरेट करता है, ये आपको फिल्म में पता चलेगा. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट द सेम टाइम वी शोन इट सिंपली. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं हर स्कूल और कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्रिंसिपल्स के साथ, टीचर्स के साथ, फैकल्टीज़ के साथ. तो मींस ही इज़ एवरीवेयर एंड ही नोज हाउ, ही इज़ वेरी गुड एट डूइंग द वर्क ही डज. ओके सर, इसी के साथ मैं प्रोड्यूसर भी हैं, तो मतलब कितना प्रेशर होता है कि एक्टर के साथ या एक्टर के ऊपर जब वो फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं और सेम टाइम एक्टिंग भी करते हैं, तो मतलब क्या? आई मीन एक अलग रोल है एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर. मैं प्रोड्यूसर इसलिए बना क्योंकि फिल्मों में इससे पहले एज अ एक्टर मेरा पार्टिसिपेशन सिर्फ सेट पे आके शूटिंग पे काम करके, फिर घर जाके, फिर मार्केटिंग पे काम कर, जब प्रमोशंस हो रहे हैं. बट एज अ प्रोड्यूसर मेरा ये ग्रीड था कि जब फिल्म बने तो मैं स्क्रिप्टिंग पर बैठूं, गानों की जब कंपोजिशन हो रही है, जब फिल्म बन रही है, आगे जाके एडिटिंग पे, म्यूज़िक पे और अल्टीमेट रिलीज़. तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत हमेशा से पैशनेट रहा हूँ और मैं चाहता था कि मैं जितना हो सके इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँ, इसलिए मैं प्रोड्यूसर भी बना. सर इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है फिल्म का, जिस तरीके से हमने देखा कि अभी तक हमने कुछ ना सुना है इसके बारे में, ना कुछ हमने देखा है इससे पहले. जी जी. तो क्या रिएक्शन था आपका जब आपके पास में ये स्टोरी आई? बहुत खुश था. मुझे पहले तो मुझे बहुत सरप्राइज था कि ये फिल्म इस सब्जेक्ट पर पहले क्यों नहीं बनी है और किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए. दो तरह से हम देख सकते थे इस फिल्म को, या तो एक हीरो के नज़रिए से देख सकते थे जो आके सिस्टम को सॉल्व करता है, या इस फिल्म में जैसे है एक बहुत ही फ्रेश नज़रिया है जो स्कैमस्टर है उसके नज़रिए से हम देखते हैं ये फिल्म, जो आदमी इस नेक्सस को हेड कर रहा है. तो आई फाउंड दैट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने हाँ कर दिया स्क्रिप्ट के लिए. इसी के साथ मेरा सवाल है कि बहुत कम फिल्में करते हैं मतलब जी बहुत नहीं, मैं बहुत करता हूँ. मैं अभी गैप ज़्यादा हो गया है, जनरली मेरी 2 या 3 रिलीज होती हैं हर साल में, लेकिन इस बार गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं कोई भी फिल्म स्क्रिप्ट जो आ रही थी मैं नहीं करना चाहता था. फिल्मों में बहुत काम लगता है, काम करने के लिए, फिर आगे जाके प्रमोशन करने में बहुत काम लगता है. तो मुझे लगा कि जो फिल्म में काम करूँगा मैं, दैट हैज़ टू बी एट लीस्ट समथिंग दैट आई यू नो आई मीन एज अगर मैं प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहा हूँ फिल्म पर, कुछ ऐसा हो जो मैं सेटिस्फाई रहूँ. तो इसे चीट इंडिया जब आई, मुझे पिछले साल आई गॉट इट इन द इस नो दिस ईयर इन जनवरी और नो लास्ट ईयर नवंबर आई गॉट इट, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया उसकी स्क्रिप्टिंग में और फाइनली शूटिंग में. ओके सर, इसी के साथ में लगता है कि इस फिल्म का जो एक असर है, जो एक मैसेज है, वो लोगों तक एक लंबे समय तक रहने वाला है? होपफुली. आई मीन जो ऐसी फिल्में हैं जो एंटरटेन करती हैं, एट द सेम टाइम इसमें एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट मैसेज है। मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली ये लोगों के जहन में ये बात उतरे। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स भी एक तरह से जो प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट्स पे वो गलत होता है। फैकल्टीज, टीचर्स, मिनिस्टर्स, जो भी हो, कहीं ये फिल्म उनको सोचने में मजबूर करे और ये सिस्टम कभी, पता नहीं आने वाले 5, 10, 15 साल या 30 साल भी लग जाए, कहीं चेंज हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से एक शुरुआत होगी। यही हमारी फिल्म 25 जैन को रिलीज़ हो रही है और इट्स अ फिल्म जो हर स्टूडेंट को देखना चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में हो रहा है। हमारा ये प्ली है एज द मेकर्स कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जल्द से जल्द एक तरह से बदलाव आए, ताकि एक तरह से एक प्रोग्रेसिव आउटलुक हो एजुकेशन सिस्टम को लेकर। थैंक यू।